लोकसभा गुरुग्राम को लेकर 87 बूथ मेवात में अति संवेदनशील घोषित कर दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से रहेगी बूथों पर नजर। ईवीएम मशीन लेकर मतदान केंद्रों के लिए टीम रवाना हो चुकी है। बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेन्द्र खटखटा ने कहा है कि पूरे जिले में करीब 641 बूथ बनाए गए हैं। सभी पोलिंग पार्टी बूथों के लिए रवाना हो रही है। इन बूथों में कई संवेदनशील तथा अति संवेदनशील बनाए गए हैं, इसको गोपनीय रखा गया है। इसके साथ साथ बूथों पर जो सुविधा है वह मुहैया कराई गई है। लगातार प्रशासन की कोशिश है कि जो भी इलेक्शन है शांतिपूर्ण बिना किसी विवाद के संपन्न हो। जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खटखटा का कहना है कि हमारे यहाँ पर 5 लाख के करीब 3 विधानसभाओं में मतदाता हैं और जिले में आते हैं। सोहना विधानसभा का तावड़ू खंड भी नुहू जिले में आता है। यहाँ से टीमें बूथों पर रवाना हो चुकी है। जितने भी बूथ हैं सभी पर कूलर, पानी, शेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ खाने पीने के सामान की व्यवस्था भी की गई है ताकि पोलिंग पार्टी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। नुहू के उपायुक्त धीरेन्द्र खटखटा ने मीडिया से आग्रह किया है कि जहां पर भी किसी प्रकार की कोई जानकारी मिलती है तो उसे तुरंत साझा करें और उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा मतदान केंद्रों की तरफ रवाना होने वाली मतदान टीम ने कहा है कि पूरी ईमानदारी के साथ मतदान के इस महापर्व को शांतिपूर्ण ढंग से कराने में अपनी भूमिका निर्वहन करेंगे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। जहां तक बूथों की बात है तो बूथों के लिए सभी मशीनें व अन्य सामान को लेकर टीम रवाना हो गई है। मशीनों का मिलान किया गया है और वह पूरी तरह से सही हैं। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। चेक करने के बाद मशीन ली गई है और बसों में बैठकर टीमें मतदान केंद्रों की तरफ रवाना हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। देखिए, हमारे पास लगभग 641 बूथ बनाए गए हैं और हमारे पास ये सारी पोलिंग पार्टियां इन बूथों के लिए रवाना हो रही हैं। और ये बूथ में कई संवेदनशील है, कई अति संवेदनशील है, ये हमने अपनी लेवल पे रखा है। और इसके साथ साथ हमने जितने भी बूथ हैं उन पे सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई हैं। और लगातार हमारा यही प्रश्न है कि जितनी भी इलेक्शन है, जो भी इलेक्शन है, बड़ा शांतिपूर्ण बिना कोई ग्लिच के आराम से हो। सर, कितनी विधानसभाएं हैं, कितने टोटल वोटर हैं, कब तक यहाँ से टीमें रवाना होंगी? देखिए, हमारे यहाँ पर 5 लाख के करीब वोटर हैं और हमारे यहाँ पर जिले के अंतर्गत 641 बूथ हैं तीनों विधानसभाओं के अंदर। कुछ विधानसभा का पार्ट, जो सोना विधानसभा का पार्ट, वो तावड़ू में ही पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर जो ये बूथ हैं इनका जो अभी टीमें हैं यहाँ सामान लेके अभी 1-1.5 घंटे में वहाँ से रवाना हो जाएगी। भीषण गर्मी को देखते हुए कुछ जरूरी कदम सर उठाए गए? देखिए, हमने हर बूथ के ऊपर पानी, शेड और कूलर की व्यवस्था की है। साथ ही साथ हमने वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की है ताकि जो भी पोलिंग पार्टी है उनको कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा आपसे भी अनुरोध रहेगा कि जहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा लगता है आप हमारे संज्ञान में लाएं, हम उसको और अच्छा करने की कोशिश करें। मेरा मनोज कुमार है जी, मैं मंदगढ़ से हूँ जी और लोकसभा गुड़गांव में मेरी ड्यूटी भी लगी हुई है। और ये हमारे देश का बहुत बड़ा पर्व है, इसको हम आप बखूबी निभाएंगे, बहुत ही अच्छा काम, ईमानदारी से काम करेंगे, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी और न ही किसी प्रकार का कोई वो होगा, सारा काम अच्छी तरह से होंगे। किस तरह के दिशा निर्देश दिए, क्या पूरा सामान मिल चुका है? सारा सामान मिल चुका है, पूर्ण रूप से सभी मशीनों के नंबर मिला दिए गए हैं, सभी बल्ट पेपर सब कुछ सही है, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है इसमें। सारे जो बल्ट ये है, मशीन है, जिस सबके नंबर मिला लिए हैं और वो सही है, कोई गलत नहीं है और चेक करके हमने मशीनें ले ली है।